दोस्तों सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार आप कराची में रहते हो, ईद आने वाली है और आप मंडी घूमने ना जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम निकलने लगे हैं मंडी की जानिब। तो भाई हमारे हामिद भाई नीचे आ चुके हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम निकलने लगे हैं। तो रास्ते में हामिद भाई को दिख गई है बिरयानी। तो भाई हामिद भाई जब तक बिरयानी नहीं खाएंगे वो चलेंगे नहीं, तो भाई हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। इसके बाद डायरेक्ट हम आपसे मिलेंगे मंडी में। तो भाई आ चुके हैं मंडी के अंदर हमारे साथ बाबर भाई। बाबर कैसे, क्या सीन है फिर भाई? सीन ये है कि सबसे पहले हम जाएंगे कैटर फार्म, ठीक है, देखते हैं कैसे बैल आए हैं, अगर जबरदस्त आए हो तो ले लेंगे, नहीं तो फिर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं मंडी, और मंडी में इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर के बाद सारे फार्म्स खुल जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह बारी बारी सब में चक्कर लगा के चेक करते हैं कि भाई क्या माहौल है और क्या क्या प्राइसेस हैं बैलों की। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद इंशाल्लाह हम डेस्टिनी में भी जाएंगे, क्या अफरीदी कैटल फार्म में भी जाएंगे और जितने लगे हुए हैं सब में घुस जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं और हामिद आपको सारा कुछ दिखाने वाले हैं आज। छोटे जानवर पाए जाते हैं लाइक 60,000 80,000 1,00,000 तक के इस पट्टी में, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी तगड़ी पार्टी है 40,00,000 का अगर आपको बैल लेना तो आप किधर जाएंगे, 40,00,000 50,00,000 60,00,000 मतलब बड़े बड़े जानवर जितने आपको इसी तरह मिलेंगे, क्योंकि कराची के जितने बड़े बड़े फार्म्स हैं ना सारे आपको इसी तरह मिल जाएंगे। तो अब आप जब आए सेंटर पॉइंट पर आकर आप फैसला करें आपको जाना कहाँ है। तो दोस्तों जिस कैटल फार्म में मैं अभी इंटर हुआ हूँ इसका नाम है RJ कैटल फार्म, और इस कैटल फार्म में बहुत ही बेहतरीन किस्म के, बढ़िया किस्म के जानवर मौजूद हैं, और इस कैटल फार्म में 2,00,000 से ऊपर के जानवर मौजूद हैं, 2,00,000 से लेकर 40,00,000 तक का जानवर यहाँ पर मौजूद है, और सारे ऑर्गेनिक जानवर हैं और बहुत ही खूबसूरत नस्ल के जानवर हैं, तो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो दूसरा जो कैटल फार्म मैं सामने लेके आया हूँ अल सैयद कैटल फार्म, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग हैं, जहाँ पे हमें रश दिख जाए तो भाई हम वहाँ भाग जाते हैं। तो भाई सामने मुझे रश दिख रहा है तो मैं वहाँ जाकर पहले देखता हूँ कि भाई क्या ऐसा हुआ है कि इतनी आवाम जमा हुई है। तो यार चल कर पूरा सीन तो पहले चेक करें यार क्या है ये। भाई ये तो लश सीन हो गया यार, यहाँ पे तो हिरन भी मौजूद है और 12 सिंगा भी मौजूद है जो कि कुर्बानी के लिए बिल्कुल हलाल है, और यहाँ पर लोग खड़े होकर बाकायदा उसकी वीडियो ले बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा है लेकिन नायाब चीज़ है, इस वजह से लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो ये अल सैयद कैटल फार्म ने अपने कैटल फार्म में 12 सिंगा भी रखा है, तो क्या कमाल की बात हो गई, ज़बरदस्त। और यहाँ पर जानवर भी मौजूद है, बहुत बेहतरीन किस्म के अच्छे खासे ऑर्गेनिक जानवर हैं, खूबसूरत और बड़े बड़े जानवर हैं, तो आप आसानी से यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो तीसरा कैटल फार्म जो है ये है डीसेंट कैटल फार्म, ये भी वहीं पर मौजूद है, और इसमें भी बहुत बेहतरीन किस्म के जानवर मौजूद हैं और आप आराम से ख़रीद सकते हैं। 2,00,000 से ऊपर के जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, मतलब मिनिमम जो रेंज है ना वो 2,00,000 रुपए, और यहाँ से 40,00,000 तक के जानवर बासानी आप ख़रीद सकते हैं। तो आप ये सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत किस्म का जानवर है, और इसकी खूबसूरती से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 30,00,000 का जानवर है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार कितने खूबसूरत जानवर हैं। आधे से ज़्यादा यहाँ के जानवर सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं नूर मोहम्मद कैटल फार्म पर, यहाँ पे आप जानवर देखें, इतने खूबसूरत पंजाब के पले हुए जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ कि भाई कैसे कैसे जानवर हैं मेरे सामने, जितने भी आपको जानवर दिख रहे हैं। तो भाइयों ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के जानवर हैं और बड़े बड़े जानवर हैं, 1,00,000 से ऊपर के जानवर नूर मोहम्मद कैटल फार्म में मौजूद है, मतलब इससे नीचे नहीं मिलेगा लेकिन इससे ऊपर के तमाम जानवर मिलेंगे। अब ये जो मेरे सामने जानवर खड़ा हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का जानवर है, तकरीबन 20 मन का ये जानवर है और 16,00,000 रुपए इसकी कीमत है, तो आप इसकी खूबसूरती से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या करने आए हो मंडी में यार, तुम मंडी आए देखने वेखने आए, ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारे 100 रुपए नहीं है और तुम बैल देखने आए हो, शर्म करो कुछ। 25 रुपए पड़े हुए, 25 रुपए पड़े हुए और तुम क्या कर रहे हो, महंगा बैल हो कोई हो, तुम्हें क्या जरूरत थी, वहीं से अंडे वाला बर्गर खा लेते हैं बस काम हो जाता, मंडी आने की क्या जरूरत थी। बात ऐसी है यहाँ कोई हो करोड़ वरोड़ वाला बैल तो फिर मैं लूँ, सस्ते सस्ते बैल है यार, 10-20 लाख रुपए यार, इतने सस्ते बैल तो मैं लेता ही नहीं।
तो भाइयों जिस तरह हर इलाके में कुछ भरमबाज लोग पाए जाते हैं ना, तो इस तरह मंडी में भी कुछ जानवर बहुत ज्यादा भरमबाज होते हैं। ये सामने आपको दिख रहे हैं ना पांचों जानवर, ये बहुत भरमबाज हैं और इनको बकायदा इनके मालिक ने नथ से बांधा हुआ है कि ये ना उठ सके ना बैठ सके और खड़े रहें एक जगह पर। ये मुझे सामने से भी भरम दिखा रहा है, मतलब गुस्सा दिखा रहा है कि मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। तो भाई जानवरों में भी ऐसा चलता है। अगला कैटल फार्म जो आ गया, ये आ गया काजी कैटल फार्म। इस कैटल फार्म के तकरीबन 90% जानवर बिक चुके हैं और कुछ जानवर यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ये सामने आपको जितने जानवर दिख रहे हैं ये भी 1,00,000 से ऊपर के ही जानवर हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म के, खूबसूरत किस्म के जानवर हैं। अगला कैटल फार्म जो है ये है सूरती कैटल फार्म। ये तो काफ़ी सालों से यहाँ पर अपना फार्म लगा रहे हैं, तो हामिद भाई जाके आपको जानवर दिखाएंगे। ये सामने जितने भी खड़े हुए हैं बहुत खूबसूरत किस्म के जानवर हैं और ये तकरीबन 2,00,000 से ऊपर पर जानवर है और बहुत ही खूबसूरत किस्म के ऑर्गेनिक जानवर हैं। ये आप कैटल फार्म की जो वाली पट्टी है उसके स्टार्टिंग में आई ही आता है, तो ये खूबसूरत किस्म के जानवर है, आप करीब से देखेंगे यार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जानवर हैं। और मज़ीद कैटल फार्म भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसको पूरी तरह देख लेते हैं। ये जो जितने जानवर आपको दिख रहे हैं ये तकरीबन सोल्ड आउट हो चुके हैं सूरती कैटल फार्म के, कुछ ही जानवर हैं जो कि रह गए हैं, बकिया ये सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अगले कैटल फार्म की तरफ जो कि पल कैटल फार्म है। लेकिन यहाँ पर सामने एक दुल्हन खड़ी हुई है जो कि जोर से और बड़ा घूर घूर के हामिद भाई को देख रही है, वो सामने, तो ये हामिद भाई को देख रही है लेकिन हामिद भाई ने इनकार कर दिया है। तो अब हम चलते हैं बाहर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंडी से बाहर और हमने एक तमाम कैटल फार्म जितने हम विजिट कर सकते थे हमने कर लिए और हमारा व्लॉग जो है बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। तो आप अगर आएँ तो आराम से मंडी घूमें, एंजॉय करें, जानवर ख़रीदने हैं तो बिल्कुल कुर्बानी के लिए ख़रीदें, लेकिन हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लाता रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत से खूबसूरत जानवर अपने लिए लेकर आएँ और अल्लाह की राह में उसकी कुर्बानी करें। तो मुझे मोहम्मद बाबर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।